नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में हाजीपुर की। यहां से 2019 में कौन बनेगा सांसद। लोजपा अध्यक्ष राम विलास पासवान के छोटे भाई और बिहार सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस को पार्टी ने हाजीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से महागठबंधन ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं लालू राबड़ी मोर्चा के उम्मीदवार बलिंदर दास ने सोमवार को हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बलिंदर दास ने बताया कि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के आदेश पर उन्होंने पर्चा भरा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके लिए चुनाव प्रचार करने तेज प्रताप यादव हाजीपुर आएंगे। वहीं अगर बात करें हाजीपुर सीट की, तो यहां से राम विलास पासवान 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। पासवान को सिर्फ 2 बार हाजीपुर में हार का सामना करना पड़ा। पहली बार 1984 में कांग्रेस के राम रतन राम से हारे और दूसरी बार 2009 में राम सुंदर दास से हारे। खास यह है कि इस बार दोनों प्रत्याशी नए हैं। लोजपा ने पशुपति पारस को उतारा है, वहीं दूसरी ओर राजद ने राजा पाकर विधायक, जो कि अभी राजा पाकर से विधायक है, शिवचंद्र राम को उतारा है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की जो सीटें आती है उसके अंदर हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजा पाकर और राघोपुर आते हैं। इस क्षेत्र में पातोपुर विधानसभा क्षेत्र था जो 2014 के चुनाव में कटकर उजियारपुर लोकसभा का क्षेत्र का हिस्सा बन गया। बदले में वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लालगंज को काटकर हाजीपुर से जोड़ा गया। इस क्षेत्र में वैशाली जिले के 3 अनुमंडल आते हैं, जिनमें हाजीपुर, महुआ और महनार है। कुल मतदाता की बात करें तो 17,15,723 कुल मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 9,17,364, वहीं महिला मतदाता 7,98,359 है। अब ये 2019 की चुनाव में फिर से कौन यहां संसद पहुंचता है, दोनों नए प्रत्याशी हैं जो कि पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि किनको जनता फिर से संसद पहुंचाती है और हाजीपुर से 2019 में कौन बनता है सांसद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।